लेट्स लुक एट एन अनदर एग्जाम्पल अ कम्प्रीहसि एग्जाम्पल इसी प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट के लाइन बैलेंसिंग असेंबली लाइन बैलेंसिंग के इसके अंदर रिक्वायरमेंट uh, इज के 96 इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस करने 24 फोर आवर्स पर डे अगर हम 24 फोर आवर्स अवेलेबल हैं तो उसके अंदर डेट मीन्स के थ्री शिफ्ट ऑपरेट हो रही है एट एट आवर्स की और उसके अंदर नाइन्टी सिक्स यूनिट्स हमने प्रोड्यूस uh, करने इसके अंदर प्रेसिडेंस जो डेटा है दैट इज गिवन एंड देयर आर टास्क कोडेड फ्रॉम ए टू के और इसके जो टास्क टाइम है टोटल वो फिफ्टी uh, मिनट्स का है डिफरेंट टास्क के अपने टाइम को आप सम कर लें तो वो फिफ्टी मिनट्स आ रहे है अब इसके अंदर अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा था कि हमने थर्ड कॉलम से शुरू करना है तो थर्ड कॉलम के अंदर हम देखते हैं कि पहले दो जो हैं वो डैशेज हैं वट डज दैट मीन कि इनके जो टास्क फर्स्ट कॉलम में इनसे रिलेटेड हैं वो ए और बी हैं और ये दोनों टास्क जो हैं इनसे पहले कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा सो so ए और बी सबसे पहले परफॉर्म होंगे ए के बाद ए एक बार हो जाए तो ए उसके बाद वाले टास्क अवेलेबल होंगे बी हो जाए तो उसके बाद वाले टास्क अवेलेबल होंगे लेकिन ये पहले टास्क होंगे तो इसके बाद वाले होंगे फिर हम देखते हैं कि ए के बाद सी है ए एंड बी ये दोनों जब कंप्लीट हो जाए तो डी शुरू हो सकता है और अगर सिर्फ बी कंप्लीट हो तो ई e शुरू हम कर सकते हैं सो दिस इज सीक्वेंस प्रेसिडेंस रिलेशनशिप की कि ये डिफरेंट टास्क के दरमियान किस किस्म का प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है फॉर एग्जाम्पल ये दो टास्क कंप्लीट होंगे डी और ई e, तो हमारा एच का टास्क शुरू हो सकता है उसकी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है इसी तरह लास्ट में जी आई जे तीन टास्क जो है ये तीनों जब कंप्लीट होंगे तो फिर हम के आखिरी टास्क को इसके ऊपर ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं तो दिस इज आर प्रेसिडेंट डेटा जिसके बेसिस के ऊपर हम फिर प्रेसिडेंस डायग्राम बनाएंगे और फिर दूसरी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम के अंदर है एक तो प्रेसिडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है हमने देन वी हैव के जी अगर डेली ट्वेंटी फोर आवर्स का प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल है तो उसमें नाइन्टी सिक्स अगर हमने यूनिट्स बनाने तो वॉट इज द साइकिल टाइम तो वो हमने कैलकुलेट करना है कि हाईएस्ट साइकिल टाइम क्या होगा जिससे वर्क स्टेशन का इससे ज्यादा नहीं हो सकता ऑन द अदर हैंड ये कैलकुलेशन है कि जी अगर साइकिल टाइम टेन मिनट्स का हो तो वट विल बी द प्रोडक्शन रेट ट्वेंटी फोर आवर्स के अगर प्रोडक्शन की जाए थ्री शिफ्ट के अंदर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं देन डी विल बी टेन मिनट्स का साइकिल टाइम हो तो थोरेटिकली मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने होंगे थोरेटिकली अगर हम लाइन को बैलेंस एग्जैक्टली exactly कर लें देन वी हैव के मिनट साइकिल टाइम एंड वर्क हो तो उसकी एफिशंसी क्या होगी एंड देन वॉट विल बी द टोटल आइडल टाइम ऑफ डिफरेंट वर्क स्टेशन उनको कंबाइन करके आइडल टाइम क्या होगा जब वो uh, जो uh, उस पर कोई काम नहीं हो रहा होगा उस वर्क स्टेशन में तो इन सारे वर्क स्टेशन में जो आइडल टाइम होगा उसको सम करें तो टोटल आइडल टाइम ऑफ दिस असम्बली लाइन क्या होगा एंड फाइनली वॉट इज द बेस्ट वर्क स्टेशन असाइनमेंट जो के आप कर सकते हैं टू तो अचीव टेन मिनट साइकिल टाइम दैट मीन्स कि आपने असाइन ऐसे करना है कि वर्क स्टेशन का टाइम टेन मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए ये टेन मिनट्स हो या इससे कम हो टेन मिनट से ऊपर ना आ जाए और उसके बेसिस के ऊपर उसकी एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट करनी है और आपने जो रूल यूज़ करना है दैट इज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स टू बी असाइन फर्स्ट और अगर कोई रूल टाय पड़ जाती है दो कंपोनेंट में तो उस केस में लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का रूल हमने यूज़ करना है टू असाइन टास्क टू डिफरेंट वर्क स्टेशन